नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो कल जो हमने पहली बार वीडियो अपलोड की थी, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। खैर, आज हम भाग एक पढ़ेंगे और भाग एक में अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक, है ना, आर्टिकल 1 to 4। इसमें कुछ शब्दावली होंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी जिनको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर इनके अर्थों का हमें पता नहीं चलता है अभी भी, बाद में जाकर फिर प्रॉब्लम कर देंगे बहुत ही। अनुच्छेद नंबर एक में क्या है? भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, है ना। इंडिया मीन्स भारत इज द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें जो संघ शब्द आया है, या भारत या इंडिया है, इनका मीनिंग समझते हैं। संविधान में तो भारत के दो ही नाम हैं, भारत और इंडिया, लेकिन अगर हम इतिहास में देखें उसमें भी उसमें काफ़ी नाम मिलते हैं। भारत का नाम भारत भी है, इंडिया नाम है भारत का, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, मुजवंत, जम्बूरक, सिंडोम, ये सब भारत के ही नाम हैं, है ना। भारत का नाम कैसे पड़ा था? ये राजा भरत हुआ करते थे, ये जिसका नाम सुदास भी था, त्रुष्टु वंश से संबंधित थे। प्राचीन इतिहास में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, दास राज्य युद्ध। दास राज्य युद्ध, 10 राजा एक साइड थे और अकेले सुदास एक साइड थे। तो जो राजा भरत हुए हैं उन 10 राजाओं को हरा दिया था उन्होंने। तो जब 10 राजाओं को हराया था, यहाँ से विजय उनको प्राप्त हुई थी, इनके नाम पर पड़ा इनका नाम। एक पढ़ेंगे हम नाम मुजवंत। मुजवंत का मतलब होता है जैसे जड़ी बूटियों का देश, लैंड ऑफ हर्बल्स, है ना, ये जड़ी बूटियों का देश। जम्बूरक एक नाम है, जम्बूरक ऊँटों का देश। सिंडोम नाम है भारत का, कॉटन का जन्मजात निर्माता, सोत का जन्मजात निर्माता देश, है ना। एक नाम आएगा हिंदुस्तान, या ईरानियों ने नाम दिया था। लेकिन जो इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया एक यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी नाम है, कि इंग्लिश में नाम नहीं है कोई भारत का, कि अंग्रेजी में कोई नाम है। ये इंडिया नाम इसलिए दिया था क्योंकि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, जो उच्चारण था, वो उच्चारण में उनके कुछ डिफरेंट था हमारे में। वो जैसे हमारे वो सै को वो ई बोलते थे, हम बोलते थे सिंधु नदी, वो बोलते थे इंडू नदी, इंडू रिवर। तो इंडू नदी के किनारे इंडिया नाम उससे पड़ गया। खैर, तो भारत के संविधान में दो नाम, इतिहास में हम नाम आगे पढ़ेंगे। एक नाम आएगा संघ, भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। संघ किसे कहेंगे? संघ के इंग्लिश में तीन नाम होते हैं, फेडरेशन भी बोलते हैं, फेडरल, यूनाइटेड, या फिर सोवियत। सोवियत तो रशियन भाषा में कहेंगे, यूनाइटेड अमेरिका में यूज करते हैं, जैसे होता है ना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे यहाँ पर क्या है इसके लिए? फेडरेशन, फेडरल, है ना। इंडिया इज द फेडरल ऑफ द स्टेट्स, तो हम क्या है? फेडरल है, हम संघ हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि संघात्मक में एकात्मकता सो होती है कभी कभी। मान लीजिए किसी राज्य पर कोई आपदा आ जाए, इमरजेंसी लग जाए, अब राज्य की जो यहाँ की विधायी शक्तियाँ होंगी, लेजिस्लेचर पावर्स, ये केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी, संसद के पास चली जाएंगी। कोई इमरजेंसी लगे किसी भी चीज़ को लेकर, इमरजेंसी का हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे कि 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं। तो कोई अगर इमरजेंसी लगी है, कोई भी आपदा अगर आती है, और यहाँ पर राज्य सरकार को कोई भर्ती निकालनी है, या तो इंस्ट्रक्शंस देगी संसद, संसद के निर्देशानुसार करना पड़ेगा, या फिर वो भर्तियाँ संसद ही निकालेगी, है ना। तो ये संघात्मक की विशेषता होती है। वैसे हम राज्य अलग अलग हैं, सब स्वतंत्र हैं, सबके अपने कानून, सबकी सरकारें अपनी होती हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान हम संघात्मक में हम एकात्मकता का रूप ले लेते हैं, ये संघ की विशेषता होती है। बीच में एक शब्दावली आएगी विधेयक, क्योंकि कोई भी राज्य बनेगा, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन जो करेंगे, वो पहले राष्ट्रपति के पास में एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा। विधेयक क्या होते हैं? विधायक और विधेयक अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ बच्चे इसको विधायक को विधेयक ही समझते हैं। विधायक तो ये होते हैं MLA या फिर MNC, जैसे हमारे क्षेत्र के एक विधायक साहब हैं, है ना, या MLC हैं यहाँ के। और विधेयक क्या होते हैं? कानून बनने से पहले प्रक्रिया, विधेयक, बिल कहेंगे इंग्लिश में इसको। तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ा जाएगा। ये एक विधेयक होगा, तो कोई भी राज्य का नाम परिवर्तित करने है, उसमें प्रवेश देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक इसमें शब्दावली आएगी संसद है, जैसे तो संसद के 3 घटक होते हैं, 3 भाग होते हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट। 3 कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद बनती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि संसद के सदन कितने हैं? सदन 2 हो जाएंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अभी आपको बोर्ड पर समझाएंगे इस चीज़ को। तो अभी हम ये आर्टिकल्स करते हैं 1 to 4, है ना, इनके बारे में आपको बता दूं पहले, फिर आपको यहीं पर समझा दूंगा। तो अनुच्छेद नंबर एक में क्या है? आर्टिकल फर्स्ट में भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है। दूसरे में क्या है? 2 और 3 में देखना, संसद का आपको मीनिंग बताया है,
कि जो नए राज्यों का गठन या उनका लघुकरण, लघुकरण मीन्स कम्यूटेशन करना, छोटा करना, उसकी सीमा को छोटा करना, किसी राज्य की सीमा में विस्तारीकरण करना, किसी राज्य की सीमा में लघुकरण करना, या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना, किसी नए राज्य को प्रवेश देना, ये सारे काम पार्लियामेंट करेगी, संविधान, ये संसद कर सकती है इस कार्य को। एक बार देखिएगा, अनुच्छेद भारत अर्थात इंडिया, एक राज्यों का संघ होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों, है ना, निबंधों और शर्तों के अनुसार, ध्यान देना वर्डिंग पर, निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश आ सकता है। इसको आप ऐसे समझिए सिंपल लैंग्वेज में, कोई राज्य अगर हमारे सीमावर्ती देशों का और वो भारत की सीमा में मिलना चाहता है कि भारत में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनको मान्यता दी जाएगी। है यानी कि हमारे देश से बाहर के कोई राज्य भारत में मिलना चाहे, जैसे अभी एक मामला चला था उसमें कि बलूचिस्तान जो राज्य है हमारे पड़ोसी देश का, वो भारत में मिलना चाहता है, तो अगर ऐसा हो भी गया हम उसको प्रवेश दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कानून होते हैं, है ना। आगे देखिए थर्ड में, संसद किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, या किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, नामों में और सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। किन्हीं दो राज्यों में से मिलाकर एक राज्य बनाना, या एक राज्य में से दो राज्य बनाना, उनकी सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, है ना, संसद ये कार्य कर सकेगी। आर्टिकल नंबर 4 में क्या लिखा है, अनुच्छेद नंबर 4 में, सीमा में परिवर्तन, लघुकरण, नए राज्य का निर्माण या नए राज्य को प्रवेश देना, ये कार्य केवल और केवल संसद ही कर सकती है, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो ये चारों आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अगर आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जैसे राज्य और संघ शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य, इनमें पहले डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। देखने जो राज्य होंगे ना, इसके लिए पूरा शब्द होगा स्वायत्त राज्य, ऑटोनोमस स्टेट, है ना। क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 प्लस 8 बराबर 36 राज्य, 28 क्या हैं, ये स्वतंत्र राज्य, स्वायत्त राज्य, ऑटोनोमस स्टेट्स हैं। जैसे उसमें हमारा भी एक उत्तर प्रदेश है ना, ऑटोनोमस स्टेट उसे कहेंगे जो 7वीं अनुसूची के राज्य विषय में दिए गए कुछ जो सब्जेक्ट या विषय लिखे हैं उन पर कानून बनाने की फुल अथॉरिटी उनके पास है, पूरी मान्यता उनके पास है। 7वीं अनुसूची में जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश उन पर कानून बना सकता है, तो उत्तर प्रदेश क्या हुआ, स्वायत्त राज्य। जो राज्य कानून नहीं बना सकता उसको हम कहेंगे संघ शासित राज्य, राज्य और संघ शासित राज्य, है ना, ऑटोनोमस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। डिफेंस क्लियर हुआ दोनों में, एक बार फिर से वो देखिए, स्वायत्त राज्य, स्वतंत्र राज्य किसे कहेंगे, जो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिकारों पर कानून बना सकता है उसको हम कहेंगे स्वतंत्र राज्य, और जो कानून नहीं बना सकता उसको हम कहेंगे संघ शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य या यूनियन टेरिटरी। तो भारत में राज्य कितने हैं, टोटल 28, संघ शासित कितने, 8, टोटल कितने हैं अब वर्तमान में, 36 हो जाएंगे, 36। इससे पहले क्वेश्चन जो 8वां राज्य बना है तो कश्मीर बना है ना, कश्मीर से पहले क्वेश्चन था कि भारत में कितने राज्य, तब थे 29 प्लस 7 इक्वल टू 36, अब कितने, 28 प्लस 8 इक्वल टू 36, याद रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा भाषाई आधार पर, भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ है, हम उत्तर प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर बने हुए हैं। एक समिति बनी थी फजल अहमद समिति, फजल अहमद समिति में उसमें तीन सदस्य थे, एक तो फजल अहमद ही थे, एक थे कुंजरू और एक थे पनिक्कर, एम पनिक्कर, ये तीन सदस्य हुआ करते थे। फजल अहमद को अध्यक्ष बनाया गया था, गठन कब हुआ, 1953 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो सरकार को प्रस्तुत की थी वो 1956 में की थी, तो उसने सिफारिश की थी कि भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि पहला राज्य कब बना था, अभी वन बाय वन आपको इसके सारे स्टेट लिखवा देंगे आपको। ओके, तो मुझे बीच बीच में पानी पीना पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये भारत के जो राज्य बने थे, एक कानून बना था 1953 में, आंध्र राज्य अधिनियम, आंध्र राज्य अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, लेकिन तब ये फजल अहमद समिति बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट 56 में सौंपी थी। फिर बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना, पुनर्गठन आयोग के तहत बना 1956 में, 56 में आंध्र प्रदेश को फिर से एक राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि क्वेश्चन आएगा ना कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, अगर वो पूछता है भाषाई आधार पर तो आंसर रहेगा 1956, और अगर पूछता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया तो आंसर रहेगा 1953, है ना। 56 में क्या किया गया था, और 1956 में ही, कि केरल का नाम जो पहले त्रावणकोर हुआ करता, मालाबार और त्रावणकोर, इसका नाम परिवर्तित करके केरल राज्य किया गया, यानी कि केरल की स्थापना सन 1956 में की गई। फिर चार
और बनाए गए इसमें राज्य कौन कौन से, 1960 में बना, 62 में बना, 66 में बना, 68 में बना, 60 में क्या बना, जो बंबई प्रेजिडेंसी हुआ करती थी, बंबई प्रेजिडेंसी को स्प्लिट करके, इसको तोड़ करके क्या बना, एक तो बंबई, एक ये गुजरात बना गया, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, बंबई का नाम महाराष्ट्र किया गया और गुजरात को अलग बनाया गया, तो बंबई और गुजरात की स्थापना, यानी कि महाराष्ट्र की और गुजरात की स्थापना 1960 में आ जाएगी। दमन दीव, गोवा, दादरा नगर हवेली, इनको यूटी का दर्जा ही इनके पास प्राप्त रहा, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हुआ 62 में, 62 में, 1962 में नागालैंड जो राज्य था, नागालैंड की स्थापना की गई और ये असम से अलग होकर एक राज्य बना था, असम क्षेत्र से निकाला गया था, जो पूर्वोत्तर का राज्य होगा, ये 62 में हुआ। 66 में और 68 में बना, 66 में क्या बना, पंजाब और हरियाणा, जो पंजाबी भाषाई के आधार पर पंजाब की स्थापना और हिंदी भाषाई को हरियाणा में शामिल किया गया। उसके बाद में 68 में बना, 68 में तमिलनाडु की स्थापना, जो दक्षिण का राज्य हुआ करता, इसका नाम पुराना मद्रास था, तो मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु परिवर्तित करके और मद्रास शहर को इसकी राजधानी बनाया गया। उसके बाद में 70, 71, 73 और 75 में बने, 70, 71, 73 और 75 में, 75 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट। 70 में क्या बना, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 71 में मेघालय बनाया गया, त्रिपुरा और एक मणिपुर को बनाया गया था। अच्छा, 73 में क्या, मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया, 73 में मैसूर का नाम कर्नाटक। और 75 में 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, तो 1975 में इसमें गोवा को पूर्ण राज्य, सॉरी सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसमें सिक्किम राज्य की स्थापना, बहुत आता है एग्जाम में। उसके बाद में दो और किए गए, 1986 में और 1987 में। 86 में क्या बनाया गया, एक राज्य मिजोरम बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना हुई। और 87 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। उसके बाद में फिर चार राज्य और बने, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी डेट आपको याद करनी, चार राज्य न्यूली इमर्जिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो इनके बारे में आपको बताते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था, तो इसमें एक संविधान संशोधन हुआ था, एक 26वां राज्य बना, 27वां और 28वां। 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, 27वां राज्य बना उत्तरांचल, जिसका बाद में नाम उत्तराखंड किया गया, 28वां राज्य बना था झारखंड, 29वां राज्य बना तेलंगाना। तो 29 राज्य थे, अब एक को जम्मू कश्मीर को निकाल दिया गया, इनकी डेट 1 नवंबर सन 2000 को ये बना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग करके ये छत्तीसगढ़ बनाया गया। दूसरा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल का गठन किया गया, और ऐसे ही बिहार से अलग करके झारखंड का गठन किया गया था, डेट थी 15 नवंबर सन 2000। उसके बाद में जो ये तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो तेलंगाना की डेट रहेगी 2 जून सन 2014 को बनाया गया था, है ना, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो क्या क्या डेट इसकी हुई, एक तो 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़, 9 नवंबर सन 2000 उत्तरांचल या उत्तराखंड, ये नाम डेट बाद में बताएंगे उत्तराखंड ये डेट कब की गई थी, और एक 15 नवंबर सन 2000 ये बना झारखंड। उसके बाद में तेलंगाना 2 जून सन 2014 को बना था, वो जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दिया गया है, यानी कि पूर्ण राज्य में से निकाल के एक बनाया गया केंद्र शासित राज्य, इसकी डेट 31 अक्टूबर सन 2019, उस दिन को यूनिटी डे भी मनाते हैं, एकता दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारे संविधान में कितने 28 + 8 = 36 राज्यों का उसमें जिक्र है, अभी आपको ये बोर्ड पर। तो ये भारत के जो नए राज्य थे जिनका गठन हुआ था, इसमें उसके बारे में दिया हुआ है, राज्यों का पुनर्गठन एवं नाम में परिवर्तन, जब उनके नाम में परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले कौन सा, 1953 में आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 के द्वारा मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्र से आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आपको बता दें कि एक फजल अहमद समिति बनी थी, फजल अहमद समिति की सिफारिशों के आधार पर, फिर 1956 में यह समिति की रिकमेंडेशन कब लागू हुई थी, 1956 में हुई थी फिर, है ना। तो मैं आपको ये बता दूं, यहां दिखाई दे रहा है आपको फजल अहमद, फजल अहमद, इसमें दो सदस्य और कौन थे, टोटल थे तीन, एक थे कुंजुरू, कुंजुरू और एक थे पनिक्कर, पनिक्कर, ये तीन सदस्य थे, फजल अहमद इसके अध्यक्ष थे। 1953 में गठन हुआ था, 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
तो राज्यों का गठन ये भाषाई आधार पर किया गया है ना। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में, लेकिन आंध्र प्रदेश का ही 1956 में भी हुआ था भाषाई आधार पर, और 56 में त्रावणकोर और कोचीन है ना, जो मालाबार का तट था उसका नाम किया गया क्या, ये केरल नाम कर दिया गया था, ये केरल राज्य का गठन। 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा बम्बई और गुजरात का गठन किया गया, गुजरात को अलग बनाया गया, दमन दीव दादरा नगर हवेली और गोवा इनको केंद्र शासित राज्य रहने दिया। उसके बाद आते हैं बच्चों 1962 में नागालैंड राज्य, ये असम से अलग करके बनाया गया था। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, तो ये जो एक्ट बने हैं पुनर्गठन अधिनियम, ये तो लगभग वर्डिंग सब में ही है, आपको याद क्या करना है, पंजाब, ये सॉरी 1966 और पंजाब, बस इनको मैच करना है यहाँ से। 1966 में किसका, पंजाब का, 1962 में नागालैंड का, 1960 में बम्बई का, इस तरीके से आपको याद करना है। 1968 में मद्रास राज्य है ना, इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, तमिलनाडु, और ये मद्रास को इसकी राजधानी बनाया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश, 71 में पूर्वोत्तर राज्य का, 1971 में जो बना मेघालय, तो मेघालय को आपको ऐसे लगाना है 1971 में। फिर 1973 में मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक किया गया था है ना, और 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया था, इसमें कौन सा राज्य बना, सिक्किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको है ना, कि पूर्वोत्तर के राज्य से अलग करके किया गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके आगे के राज्य अभी आपको बताते हैं, तो ये हो जाएगा। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1986 में कौन सा राज्य बना, फिर सिर्फ आपको याद रखना 1986 में मिजोरम राज्य का गठन हुआ है ना, मिजोरम को संसदीय राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पहले ये यूटी था अब ये पूर्ण राज्य बना है। ओके 1987 में गोवा, गोवा दमन दीव और दादरा नगर हवेली, 1986 के द्वारा गोवा और दमन दीव राज्य को संघ राज्य क्षेत्र को निकालकर राज्य का स्तर का दर्जा दिया गया, ये गोवा को दिया गया था। दमन दीव दादरा नगर हवेली ये आज भी केंद्र शासित राज्य ही है। ओके आ रहे हैं समझ में, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या किया, जो भी न्यूली इमर्जिंग स्टेट्स है, नव उदित राज्य, उनकी डेट भी याद करनी और कौन से क्रम का हो। 1 नवंबर सन 2000 को भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर, एक बार और देखिएगा आप, 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य कौन सा बनाया गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके। ओके नेक्स्ट 9 नवंबर सन 2000 को 27वां राज्य उत्तरांचल, इसी का नाम उत्तराखंड, इसकी डेट अलग थी वो चेंज करके उत्तरांचल पहला नाम था, फिर उत्तराखंड नाम किया गया, बाद में बताएंगे, फिर उत्तर प्रदेश से अलग करके। इसके लिए आज भी एक दीक्षित आयोग बना हुआ है, दीक्षित कमीशन, जो ये जांच कर रहा है कि उत्तराखंड की डेट, वो राजधानी क्या होनी चाहिए, क्या दीक्षित आयोग क्वेश्चन आया हुआ है कि दीक्षित आयोग का संबंध किससे है, उत्तराखंड के गठन से या उत्तराखंड की राजधानी हाईकोर्ट की स्थापना से, कि उसका हाईकोर्ट कहाँ स्थापित होना है। ओके नेक्स्ट 15 नवंबर सन 2000 भारत का 28वां राज्य झारखंड बिहार से अलग होकर बना, और 2 जून सन 2014 को 29वां राज्य 29th स्टेट तेलंगाना बना था, जो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इस तरह पहले भारत में क्या थे कि 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित राज्य थे, लेकिन वर्तमान में सन 2000 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, टोटल कितने 36 राज्य, 28 राज्य यहाँ से एक कम किया, कौन सा, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, तो इधर संख्या कम हो जाएगी स्टेट में, वो केंद्र शासित राज्य, इधर संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ पर ये संख्या बढ़ी, 7 से 8 हुई है, तो टोटल कितने 36। अभी आपको ये सारे स्टेट्स इनकी कैपिटल ये मैप पर दिखाएंगे। ओके तो स्टेट्स को ये मैप में देखते हैं हम है ना, आप एक मैप डिजाइन कर लेना ऐसे ही, जैसे भी हो कुछ नहीं, इस पर मार्क्स दिए जाएंगे, ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्टेट, एक आइडिया होना चाहिए हल्का सा। ओके सबसे पहले कौन सा स्टेट बना था 1953 में, आपको बताया कि आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया राज्य आंध्र प्रदेश, और 56 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनाया गया, क्योंकि इसमें एक समिति बनी थी, पता ना, फजल अहमद समिति, जिसमें 3 सदस्य है टोटल, इसमें आंध्र प्रदेश बना और केरल बना था, केरल का नाम क्या था, त्रावणकोर या मालाबार आ जाएगा, तो आंध्र प्रदेश को कर दें, थोड़ा इसमें मार्क कर लेना कि आंध्र प्रदेश कहां पर आएगा, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, पेन ले लेता हूं दूसरा। ओके और इसी में फिर केरल का भी किया गया 56 में ही, ये आ जाएगा 1956 और 1953, यहाँ पर हम केरल लेंगे, मालाबार तटीय केरल है ना, तटवर्ती हमारा राज्य है केरल, केरल का गठन कब 1956। अच्छा जी फिर 60, 62, 66 और 68 में क्या बना गया, ये सॉरी महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र बना गया और गुजरात बना गया। 62 में क्या बना गया फिर? नागालैंड। नागालैंड 66 में क्या बनाया गया? 66 में पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा। और 68 में बना था मद्रास, ये मद्रास, मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया था तब, तमिलनाडु याद रहेगा बच्चों। ओके, तो 60 में महाराष्ट्र, ये जो पूरा क्षेत्र था इसका नाम क्या था? बम्बई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसके दो भाग बनाए गए, ये गुजरात बना गया यहाँ पर, और इसका बम्बई का नाम चेंज करके महाराष्ट्र किया गया राज्य का नाम। तो और यहाँ पर राजधानी इसकी बम्बई बनाई गई, फिर इसी को मुंबई कहा गया बाद में, उस पर नहीं अभी बहस करेंगे। ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या बनी? बॉम्बे। ओके, यहीं पर दमन दीव दादरा नगर हवेली थे, और गोवा बनाया गया है। तो 60 में क्या हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये राज्य उसमें आए एग्जिस्ट में। और गोवा, दमन दीव दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित राज्य बनाया गया, जिसमें दो आज तक भी केंद्र शासित हैं और एक बाद में बना है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, 62 में कौन सा बना? नागालैंड। नागालैंड की स्थिति याद आएगी यहां पर, ये क्या हो जाएगा? नागा, नागालैंड 1962 में बना। 66 में पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा, ये यहां पर आ जाएंगे। जो पंजाबी भाषाई क्षेत्र था पंजाब, जो हिंदी भाषाई था हरियाणा, है ना, यहां पर पंजाब और हरियाणा, ये कब बने? 1966 में। 68 में मद्रास, जिसका नाम तमिलनाडु किया गया, तो यहां से क्या बन गया? ये तमिलनाडु बन गया, तमिल, राजधानी इसकी मद्रास की गई, ये 1968 में किया गया। 1970, 71, 73, 75, 70 में हिमाचल प्रदेश, 71 में मेघालय बना, 73 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया था, और 75 में बना था सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है 75 वाला 1900। तो 1960 में क्या? हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर बना गया, ये HP आ जाएगा कब? 1970 में आ जाएगा। 71 में मेघालय, मेघालय कहाँ पर आएगा? ये मेघालय आ जाएगा, मेघालय 1971। ओके, नेक्स्ट 1973 में, 1973 में क्या किया गया? जो यहाँ पर कर्नाटक था, ये सॉरी मैसूर, मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया, ये कर्नाटक आ जाएगा, इसका पुराना नाम क्या था? मैसूर। ओके, आगे बढ़ते हैं 73, 75 में, 75 में स्थापना किसकी की गई? सिक्किम की, सिक्किम आ जाएगा यहाँ पर इस टाइप से, ये क्या है? सिक्किम, सिक्किम की स्थापना 1975 में। 36वां संविधान संशोधन, 36वां, बहुत बार क्वेश्चन आता है 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? सिक्किम से। ओके, आगे 1986 और 87 में, 86 में किसका गठन हुआ? अरुणाचल प्रदेश का हुआ और मिजोरम का गठन किया गया था। 87 में फिर गोवा का किया गया, इसमें कौन सा? गोवा, और इसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मिजोरम। ओके, ये कहाँ पर बनाया गया? ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम कहां पर आएगा? ये आ जाएगा नीचे मिजोरम, इससे टच है थोड़ा सा मिजो। स्थापना कब हुई थी उनकी? 1986 में। ओके, 87 में गोवा बना, गोवा को पूर्ण राज्य दिया गया था, गोवा तो राज्य था, ये कौन सा बना? गोवा 1986 में। ओके, तो जो नए राज्य बने थे यहां पर, 1 नवंबर, 1 नवंबर सन 2000 को कौन सा बना? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर 9 नवंबर को बना था सन 2000 को, फिर 15 नवंबर सन 2000 को बना, इसमें उत्तरांचल UA, इसमें कौन सा बना फिर? झारखंड, ये बना। और एक डेट, हाँ, 2 जून सन 2014, इसमें बनाया गया था, तेलंगाना अलग किया गया है, तेलंगाना, है ना, ये आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, आंध्र प्रदेश से, ये तेलंगाना की स्थिति आ जाएगी इसमें, है ना। हालांकि इसमें कोस्ट नहीं है, यहाँ पर तट नहीं है, ये बाद में भूगोल में मैप में आपको बताएंगे। एक बच्चों ये डेट गलत होगी, ये गोवा वाली जो डेट है 1987 है, 1987 में हुआ था। ओके बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इनकी कैपिटल्स तो सभी के याद होंगी, अलग से लिखवाने की इसको जरूरत है, शायद ये तो सभी को होंगी, नॉर्मली हर बुक्स में लिखी हुई है। ये जो डेट्स है ना, सब न्यूली इमर्जिंग स्टेट्स हैं, है ना, इनको आप याद कीजिएगा। और जो इसमें बना है ना कि 8वां केंद्र शासित राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर, उसकी डेट मैंने लिखवा दी थी आपको पहले, वो डेट आपको याद रखनी है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो तब भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।